चलिए फोर्थ टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दो चार राशियों पर आधारित समस्याएं। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाता है, देखिए ये सिर्फ इसमें एक ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको एक नंबर की पूछी जाती है हमेशा, कि रुकने की दूरी क्या होती है। तो रुकने की दूरी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। तो ये चीज़ होती है, चलिए इसको समझते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें है। क्या कह रहा है, रुकने की दूरी, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्हीकल है या गाड़ी है वो जा रही है, ठीक है, और सडन उसको कुछ अवरोध दिखाई दे रहा है या देता है, तो वो कुछ एक्शन लेता है और ब्रेक अप्लाई करता है जिससे गाड़ी रुक जाती है। तो वो दूरी क्या है, रुकने की दूरी है, जिसमें प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी, दो टाइप की दूरी को उन्होंने इंक्लूड किया है। तो समझते हैं दोनों टाइप किस टाइप की दूरी है। चलिए लेट कर लेते हैं, एक व्हीकल है जो यहां से मूव कर रहा है, ठीक है, ये वाला व्हीकल है, ये यहां से जा रहा है, ठीक है, उसकी वेग है, वेलोसिटी है, वो क्या है, वी वेलोसिटी से जा रहा है, और उसको यहां से, और उसको कुछ अवरोध दिखाई दे रहा है, तो वो क्या करेगा, ब्रेक अप्लाई करेगा। परंतु ये चीज देखी जाती है कि जैसे ही उसको कुछ अवरोध दिखाई देता है तो वो सडन ब्रेक अप्लाई नहीं होते, उसमें कुछ न कुछ टाइम चला जाता है, तो क्या करेगा, लेट कर लो उसमें यहां पे दिखाई देता उसको, ये गाड़ी यहां तक चली आई, ठीक है, उसने सोचा क्यों, क्योंकि जैसे उसने देखा अपना माइंड को उसमें सिग्नल गए, उसके बाद उसने एक्शन लिया कि अपने को ब्रेक अप्लाई करना है, यहां से यहां के बीच में उस जो दूरी चली है, इसका मतलब यहां पे उसने क्या देखा था, कोई अवरोध देखा था कि सामने से कोई व्हीकल या गाड़ी आ रही है या कुछ भी है, तो उसके अकॉर्डिंग उसने क्या कहा, यहां पर देखा, परंतु उसमें माइंड तक उसके सिग्नल गए, उसके बाद उसने एक्शन लिया, तब तक गाड़ी यहां से यहां तक आ गई, ये क्या टी टाइम लग गया उसको, ये सारी चीजें कि ब्रेक लगाने में, देखने के बाद जैसे ही अवरोध को देखा उसके बाद उसने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया, उसमें उसको कितना टाइम लग गया, टी टाइम लग गया, तो उसमें इतने इतनी दूरी तय कर दिया इस गाड़ी ने। तो ये दूरी क्या कहलाती है, प्रतिक्रिया दूरी, क्या कहलाएगी, प्रतिक्रिया दूरी। ये हो गई प्रतिक्रिया दूरी। इसके बाद यहां पे इसने क्या किया, ब्रेक अप्लाई करना शुरू किया और यहां पे आके गाड़ी क्या हो गई, रुक गई, ये गाड़ी यहां पे आके रुक गई। तो यहां से देखो ये इस जगह पे उसने आगे की गाड़ी अवरोध को देखा था, फिर उसको जैसे ही लगा कि अब अपन ब्रेक अप्लाई करेंगे तो इसमें अपने माइंड काम करने में उसको टी टाइम लग गया, तो उसमें इतनी दूरी तय की, ये प्रतिक्रिया दूरी हो गई, और जो ये जो दूरी तय की है, ये जो दूरी तय की, ये क्या कहलाएगी, अवरोध दूरी। ये क्या हो गई, अवरोध दूरी, ये अवरोध दूरी हो गई। इसका मतलब यहां पे इसकी वेग v है, तो यहां पे इसकी वेग क्या रहेगी, v ही रहेगी, परंतु यहां पे इसकी वेग क्या हो गई, जीरो हो गई। क्यों, क्योंकि ब्रेक यहां पे उसने जैसे ही देखा ब्रेक अप्लाई किया और यहां पे गाड़ी रुक गई। तो ये जो दूरी कहलाती है, ये तो क्या है, प्रतिक्रिया दूरी, और ये क्या है, ये अवरोध दूरी है, और ये संपूर्ण जो डिस्टेंस दे रखी है यहां से लगा के यहां तक, ये क्या है, ये है रुकने की दूरी, ये क्या है, रुकने की दूरी। तो ये चीज समझ में आ गई होगी अब आपको कि रुकने की दूरी क्या होती है, प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। चलिए अब एक आगे आपको क्वेश्चन दे रखा है, वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, यदि रुकने की दूरी बराबर 40 मीटर दे रखा है, मंदन की दर 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तथा उसको पहुंचने के अपने को समय ज्ञात करना है, और नीचे अपने को दो चीज दे रखी है, एक क्या दे रखी है, क्या वाहन की गति के साथ रुकने की दूरी परिवर्तित होगी, दूसरा गीली फिसलन वाली सड़क पर यह कैसे परिवर्तित होगी। तो इसको अपन दो टाइप से समझ सकते हैं, पहला कि ऑब्वियसली बात है अपन दो चीज देखते हैं, एक कोई भी व्हीकल लेके जा रहा है तो उसकी स्पीड ज्यादा है, तो उसको एक्शन लेने के बाद जैसे ही ब्रेक अप्लाई करता है तो वो ज्यादा दूरी तक चला जाएगा, और दूसरा कोई भी कम स्पीड में जा रहा है तो उसको दूरी क्या है, जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेगा तो थोड़ी दूर में जाके रुक जाएगा। तो ये चीज अपने को पता है, ये अपन कह सकते हैं, जैसे कि
ये दो व्हीकल है सेम टाइम, एक व्हीकल यहाँ से जा रहा है, एक सेम पोजीशन पे है, ये लेट कर लो 80 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और ये 40 किलोमीटर पर हवर से जा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, इस वाले को अगर यहाँ पे ये व्हीकल दोनों यहाँ पे आके ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये वाली जो डिस्टेंस तय करेगा ये वाला व्हीकल, ये ज्यादा तय करेगा एज कंपेयर टू इसके, क्योंकि इसके पास गति ज्यादा है तो उसको वो ज्यादा दूरी तक जाके रुकेगा, इसके पास गति कम है तो ये कम दूरी पे जाके ही रुक जाएगा। दूसरा क्या है, गीली फिसलन वाली सड़क पर ये कैसे परिवर्तित होगा? ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे देखो जो ये सड़क है और इनके टायर है इनके बीच में घर्षण होता है, फ्रिक्शन, ठीक है। तो घर्षण की वजह से क्या, जैसे ही ब्रेक अप्लाई होता है तो उसमें क्या होती है, बॉन्ड होती है, रुक घर्षण होता है आपस में और क्या होते हैं, ये गाड़ी रुकती है। तो जैसे जैसे इनका घर्षण अधिक है तो उनमें क्या होगी, ग्रिपिंग अधिक होगी और जस्ट थोड़ी सी देर में रुक जाएगी। और अगर यहाँ पे अपन ने कुछ लिक्विड या पानी या फिसलन वाली कुछ लिक्विड डाल दिया तो क्या हो जाएगा, ये जो घर्षण गुणांक है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, सरफेस है वो क्या हो जाएगी, स्लिपरी टाइप हो जाएगी, इस पे गाड़ी क्या हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी। तो उसमें क्या होती है, ये डिस्टेंस ज़्यादा तय करेगी उसी स्पीड में। अगर स्पीड वही, अगर ये वाली गाड़ी सेम स्पीड में है, जैसे ये भी 80 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और ये रोड कैसी है, ये सूखी है, खुरदरी है, तो इसमें क्या होगा, घर्षण गुणांक ज़्यादा होगा तो ये कम डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगी। परंतु अगर यहाँ पे क्या है, अपन ने कुछ लिक्विड या पानी वानी डाल दिया है तो क्या हो जाएगा, ये बहुत दूरी उसको इसके कंपेयर में ज़्यादा दूरी पे जाके रुकेगी। ये तो लॉजिकली सोच सकते हैं, अब इसको मैथमेटिकली देख सकते हैं अपन। ये जो दूरी है प्रतिक्रिया दूरी, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, अपने को पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, ये v वेग से जा रही है तो v इंटू टी, ये दूरी कितनी हो जाएगी, v इंटू टी। ये अवरोध दूरी भी अपन निकाल सकते हैं गति के तीनों समीकरण का यूज करते हैं। क्या है गति के समीकरण, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीसरा समीकरण। तो यहाँ से देखेंगे तो ये क्या है, v वेग से जा रही है और यहाँ पे इनिशियल वेग v है और फाइनल वेग क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ से अपन देखेंगे और यहाँ पे देखो ये क्या है, ये गाड़ी है, इनके बीच में फ्रिक्शन है, तो यहाँ से जो बल लगेगा, घर्षण बल लगेगा, क्या हो गया, म्यू एम जी। और अपने को पता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए, और यहाँ पे किसके बराबर है, म्यू एम जी, एम से एम गया तो यहाँ पे ए क्या आ गया, म्यू इंटू जी। ये देखो यहाँ पे ये जो ए है वो त्वरण नहीं है, मंदन है, क्यों, क्योंकि इसकी गति है वो क्या होती है, धीरे धीरे कम हो रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, ए इज इक्वल टू माइनस म्यू जी। तो यहाँ से अपन रखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी वी स्क्वायर, फिर प्लस टू इंटू ए की जगह म्यू इंटू जी। यहाँ पे म्यू क्या है, घर्षण गुणांक, मतलब इन दोनों टायर और सड़क के बीच में कितना घर्षण है, और जी गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, जी ग्रेविटी वाला, ये हो गया, और इंटू एस। तो यहाँ पे ये माइनस था तो ये क्या हो गया, माइनस इधर जाएगा तो ये हो गया प्लस वाला, इधर ये माइनस, तो टू म्यू जी इंटू एस। तो यहाँ से एस बराबर क्या आ गया, वी स्क्वायर अपॉन टू म्यू जी। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन टू म्यू जी, ये एक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये प्रतिक्रिया दूरी है, ये क्या है, अवरोध दूरी है। तो यहाँ से अब दोनों पॉइंट को समझना है आपको कि, तो इसको मैथमेटिकली पूरा एक्सप्रेशन लिखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, अब अपन ने डेराइव कर लिया है इसको एक जगह लिख करके, तो जो रुकने की दूरी है वो क्या हो जाएगी, v इंटू टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू म्यू जी। तो यहाँ से समझते हैं पहला पॉइंट, क्या वाहन की गति के साथ उसकी दूरी परिवर्तित होगी, ऑब्वियसली बात है जब वेग बढ़ेगा, ये वाला वेग बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है दोनों चीजें बढ़ रही है तो जुड़ के और ज्यादा हो जाएगी, घटेगी अगर वेलोसिटी वेग घटता है, गति घटती है तो ये दोनों चीज क्या हुई, घटेगी और जुड़ के वापस और कम हो जाएगी। तो ऑब्वियसली बात अपन इस वाले से मैथमेटिक्स के इस फॉर्मूले से कह सकते हैं कि वेग बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी, दूरी बढ़ेगी, वेग घटेगा तो दूरी घटेगी। दूसरा क्या होता है,
अब रोड है ये फिसलन वाली है या सूखी है, इससे क्या फर्क पड़ता है? घर्षण गुणांक म्यू पे फर्क पड़ता है। अगर सूखी है तो म्यू ज्यादा है, म्यू ज्यादा है, घर्षण गुणांक ज्यादा है, तो ये पूरी राशि कम होगी या नहीं होगी? तो ये पूरी राशि कम होगी, तो इस चीज में कम राशि जुड़ेगी। इसका मतलब सूखी सड़क पे दूरी कम होगी, मतलब कम दूरी पे जाके व्हीकल रुक जाएगा। या फिर ये वाला, जब उस पे पानी या लिक्विड डाल दिया जाता है तो ये क्या होगा, म्यू घर्षण गुणांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हर में चीज कम है तो किसी छोटी चीज का भाग देंगे तो ये पूरी राशि बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये जो रुकने की दूरी है वो बढ़ जाएगी, कब? जब इस पे म्यू कम होगा। म्यू कम कब होगा? जब सड़क पे पानी या ऐसा कुछ लिक्विड डाल दिया जाएगा तो अपने पास घर्षण गुणांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये पूरी की पूरी राशि बढ़ जाएगी। तो ये अपने दोनों तरीके से इसको देख लिया कि ये दोनों कैसे वेरी करेंगे। अब पहले वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते। क्या कह रहा है? एक कार है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चलती है, ठीक है? तो इसका मतलब v कितना दे रखा है, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं, एक किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 मीटर, और आवर में 60 सेकंड मीटर मिनट इंटू 60 सेकंड, तो ये हो गया सेकंड। तो 20 से 20 कट गए, ये 2 का भाग 5 बार, 2 का भाग 3 बार, तो v बराबर कितना आ गया, 50 × 5/6 = 18, ये आ गया मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या, रुकने की दूरी, मतलब s कितना दे रखा अपने को, 40 मीटर दे रखा है। तो मंदन a बराबर कितना दे रखा है, -4.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है? स्क्वायर। तो यहां से गति का जो पहला समीकरण क्या कहता है, v = u + at, तो यहां पे अपने को सारी चीजें दे रखी है, ठीक है? ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये क्या, v फाइनल है और ये इनिशियल। इसका मतलब फाइनल पे तो आखिर क्या हो गई, ये जीरो हो गई। इनिशियल कितनी दे रखी है, 50 × 5/18 प्लस a की जगह -4.4 × t, v = u + at, ये गति का पहला समीकरण। अब ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 4.4 × t बराबर 50 × 5/18। अब ये t का जो गुणांक इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 50 × 5/18 × 4.4। तो यहां से सॉल्व करोगे तो आपके पास t कितना आ जाएगा, 3.156 सेकेंड। तो इसको रुकने में कितना समय लगेगा, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये तीनों अपने एक एक चीज को देख लिया कि उसको रुकने में कितना टाइम लगेगा, वो वाला अपने यहाँ पे देख लिया, और चीज जो पहला और दूसरा जो पॉइंट दे रखा कि क्या गति के साथ ये वाली जो दूरी कैसे परिवर्तित होगी, यहाँ पे गीली फिसलन वाली सड़क के साथ कैसे परिवर्तित होगी, वो अपने थ्योरेटिकल भी देखा और उसको फॉर्मूले के थ्रू भी अपन ने देख लिया। तो ये दोनों चीज यहाँ से क्लियर हो गई होगी। मोस्टली आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता तो यही से पूछा जाता, इतना डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये दो पॉइंट समझाने के लिए इतना मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। बाकी तो यहाँ पे एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो यहीं से कवर हो जाता है कि रुकने की दूरी बराबर क्या होती है, प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। कभी की बार तो सीधा सीधा यही दे दिया जाता है, प्रतिक्रिया दूरी दे दी जाती है, अवरोध दूरी दे दी जाती है, और सीधा सीधा पूछा जाता है कि रुकने की दूरी क्या होगी। मतलब यहाँ पे कितनी राशियां अननोन है, 3 राशि, रुकने की दूरी, प्रतिक्रिया दूरी और अवरोध दूरी। तो इसमें से कोई 2 दे देगा, 1 आपसे पूछ लेगा, तो आप ऑब्वियसली बात इस फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हैं। या फिर एक मार्क्स में सीधा सीधा फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है कि रुकने की दूरी का सूत्र लिखिए, तो आपको सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला लिखना है। तो ये वाला अपना 4th टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। इसमें से एक टेबल रहती है, जो टेबल बेसिकली सिंपल सी टेबल रहती है, वो मैं आपको बना के बता देता हूँ।
इसीलिए दो राशियों पर आधारित समस्या देख रहे थे उसमें से नेक्स्ट एक ये चीज आपके बुक में देखोगे तो आपको पेज नंबर 310 पे दे रखा है। ये कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि लेबर तरीके से 19 20 21 गिनने में कितना टाइम लगेगा, तो ऑलरेडी उसमें दे रखा है 1 सेकंड। तो ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है आपसे कि उसको लेबर तरीके से कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगता है, ये आप और इजीली से बता सकते हैं। नेक्स्ट आपके बुक में देखोगे तो आपको एक टेबल दे रखी है जो मैंने आपको बोर्ड पे बना दी है, जिसमें आपको कुछ चीजें आपको दे रखी है और यहाँ पे क्या है दो ब्लैंक चीजें रखी है यहाँ पे, एक ये वाली और एक ये वाली, ये चीज आपसे पूछी जाती है। तो यहाँ से आपको ऑब्वियसली बात दे रखी है, ये गति दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर और 90 किलोमीटर, यहाँ पे रुकने की दूरी दे रखी है। जब ये प्रतिक्रिया दूरी कितनी 9 और उसका जो समय है वो कितना है 2, इसका मतलब ये क्या हुआ 9 × 2 = 18 हो गया। इस टेबल के हिसाब से प्रतिक्रिया दूरी इतनी दूरी चलती है और पर सेकंड में इतनी चलती है, तो 2 सेकंड में कितनी चलेगी 18, तो यहाँ पे ये कितनी दूरी तय की है 54 मीटर तय की है। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कितना दे रखा है दूरी 18 मीटर दे रखी है, तो आपको टाइम निकालना है। तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं ये 18 क्या था, ये प्रतिक्रिया दूरी इनटू समय था, तो अपन यहाँ पे ये भी कहेंगे। तो फर्स्ट अपन सॉल्व करेंगे तो ये जो 54 है वो किसके बराबर हो जाएंगे, प्रतिक्रिया दूरी कितनी दे रखी है 18 इनटू समय अपने को ज्ञात करना है, तो लेट कर लो ये क्या है वाई हो गया। तो यहाँ से वाई कैसे निकलेगा, वाई निकालेंगे तो वाई बराबर हो जाएगा ये गुणा में, तो किस में चला जाएगा भाग में बटा 18, तो ये कितना आ जाएगा 3 सेकंड आ जाएगा आपके पास वाई की वैल्यू, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है, जो तीसरे टेबल में जो तीसरा वो दे रखा है वो क्या दे रखा है, ये जो दूरी तय की है वो कितनी है 108 मीटर। यहाँ पे आपको प्रतिक्रिया दूरी नहीं दे रखी है और सीधा समय दे रखा है, अपन वापस यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये लिखेंगे प्रतिक्रिया दूरी 108 बराबर होगा प्रतिक्रिया दूरी, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं ये क्या है x है और ये कितना है 4 है, तो ये x इंटू 4, तो यहाँ से x कैसे निकालेंगे, x निकालेंगे 108/4, तो इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4 × 4 = 8 ये हो गया, और 8 × 2 = 28 (728), तो ये कितना आ जाएगा 27 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये x है इसकी जो फिल इन द ब्लैंक है इसकी जगह 27 आ जाएगा, और जो ये y है यहाँ पे जो समय लगेगा वो कितना आ जाएगा 3 सेकंड का आपके पास टाइम आ जाएगा। तो इस टाइप से ये अपना सड़क सुरक्षा वाला टॉपिक कंप्लीट होता है।